Another story that's all new tonight. The Tampa teen accused of fatally hitting and killing a mother and toddler is not allowed to drive, but he can travel. But there are specific rules that he has to follow. Arrested and charged. 18-year-old Cameron Heron appearing in court today in an anti. Side gown that no other inmate had on. His attorney, John Fitzgibbons, told me he didn't know what led to Heron wearing the gown. Heron is accused of hitting and killing a mother and baby on Bayshore Boulevard in Tampa while street racing. His attorney also asked that he be allowed to drive to college since he just graduated from high school. Hello, I'm SRP, and thank you again for joining me this week.

That everything has finally healed. I just just, just have the mark, but there is no pain anymore. Yeah, I'm just, I'm just happy about that thing. So, I wanted to let you guys know. The reason I bring my accident up, क्योंकि जो मेरा एक्सीडेंट था वो एक वो एक रेकलेस ड्राइवर की वजह से होता है जिसको इंडिकेटर यूज़ करना नहीं आता था And आज का केस जिसके बारे में हम डिस्कवर करने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है ना विद मास्टिट्स फोकस ऑन टू डे इसके जिस केस की के हम आज बात करने जा रहे हैं उस केस के केलर के 2021 in 2018। पर अभी कुछ पहले मुझे इस कीलर का एक वीडियो दिखा था ऑन इंस्टाग्राम so yeah, जिसका टाइटल था वोट हाउ कैन दिज ओल्ड इवन थिंकोर इयर इन जेल आई एम सोन विदर्ड

जैसिका रायसन जो कि 24 साल की थी एंड लिलिया उनकी बेटी जो कि उस टाइम पर 20 महीने की थी ये फैमिली टाइम पर फ्लोरिडा में एक बहुत ही प्यारा सा, सा परिवार था शी वाज अ वेरी स्वीट मॉम एंड फोटोज देखे तुम्हें भी लगे कि होगा लेलिया भी बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची थी एक दिन Jessica लेलिया को शाम को बाहर घुमाने ले जा रही थी जैसिका ने लेलिया को स्ट्रोलर में ढंग से दे बोथ शी वाज वॉकिंग अलोंग द मेन स्ट्रीट

जैसे का एन लीलिया थी वो लड़का तो भाग्य था लेकिन ब्लैक में जो लड़का बैठा था उसका नाम थामरन कॉयल हेरन वॉज बॉर्न ऑन नाइन्थ सेन ऑन ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड एटीन दिस एक्सीडेंट हैपन Cameron was 18 Cameron एक rich को बिलोंग करता है एंड वेल केमरन के डैड क्रिस एक एडिटर एंड फिल्म मेकर एंड उसकी मॉम शेरिल वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट फार्म इंश्योरेंस सो ही जिसमें उसे कभी भी पैसे के बारे में ऐसा सोचना नहीं पड़ता था आई मीन दे वी पॉल एन बट इट वॉजन लाइक की

एंड उसको एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है जिसके लिए सब कुछ छोड़ देता है yep, उसके शॉक भी एकदम थे so, cities, friends, you know. like really I mean, तो खर्च करना तो की हॉबीज थी वो कुछ भी नहीं थी आई मीन इट इज वट नॉर्मल टीन एजर्स लाइक सो उसकी सारी हॉबीज में से एक हॉबी उसकी रेसिंग भी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अर्टिकल जितने भी कैमरन के दोस्त जितने भी क्लोज सर्कल में कैमरन के दोस्त है जो उसको बहुत ही ज्यादा ढंग से जानते थे उन सबको कैमरन का कार का ऑब्सेशन उन सबको कैमरन का फास्ट कार्स का ऑब्सेशन पता था एंड दे ऑल न्यू दैट कैमरन लाइक्स लाइक्स टू टू स्पीड ओके ही ऑप्शे जिसकी वजह से उसके क्लोज सर्कल में उसका नाम रेसर भी रख दिया था एंड बिकॉज ऑफ दिस चेस फॉर थ्रिल ऑफ हिज टू स्वीट वर टेकन एक्चुअली क्रैश के होने के कुछ दिन पहले भी कैमरन को एक बार सुबह पकड़ा गया था रेस करते हुए जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ही गोइंग पर आवर इज अगेन अराउंड टू क्या भगवान भी नहीं बचाएंगे ज्यादातर टीनेजर जिनको नया नया गाड़ी का शौक रहता है फिर जिनको नई नई कार मिली रहती है राइट right? दे रियली लव टू स्पीड ऑब्वियसली बट पीपल फॉरगेट दिस थिंग दैट की जब सड़क पर तुम उतरते वैन सराउंडेड बाई मल्टीपल कार्सर लाइक मल्टीपल पीपल अराउंड जब वी आर नॉट ओनली जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर आर लाइफ सिबल फॉर द लाइफ ऑफ पीपल होता है तो उसके लिए भी दो गाड़ियाँ चाहिए टाइम एक ही गाड़ी की रेसिंग रिजल्ट इन समेंजरसिचुएशन नो मैटर लोगों को क्या लगता है कि प्रो रेसर इतने साल प्रैक्टिस क्यों करते हैं क्या जरूरत है उन्हें इतना और like में जाकर प्रैक्टिस करने के लिए अगर सब कैमरा जैसे होते हैं तब तो कोई भी गली का लौंडा रेसर बन जाता है गली से या फिर सड़क से गली निकल के कोई भी चले जाता है हर एक चीज का तरीका होता है हर एक चीज करने का एक ढंग होता है बट आई डोंट थिंक कैमरन अंडरस्टुड एंड इट वॉज एंड रियली लाइक ही अ डम ओके उसके प्रोफेसर सब उसको बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट समझते हैं उसका थे। एक प्रोफेसर तो इतना शौक में था दैट ही कुड नॉट बिलीव दैट हाउ कुड अ ब्राइट स्टूडेंट लाइक हेम Could do such thing. उनको ये सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा एक होनहार स्टूडेंट इतनी बड़ी गलती भी कर सकता है जिंदगी अगेन ऑन ट्वेंटी थर्ड मई ट्वेंटी एटीन कैमरेन हैरन टुक टू लाइव उसकी को चौबीस साल तक की जेल होगी एंड कैमरन का जो दोस्त था जो सेकंड कार में था जो उस भाग गया था उसको पंद्रह साल की जेल होगी फिफ्टीन ईयर फॉर एनेबलिंग दिस बिहेवियर एंड पार्टेटी स्पेसिफाई अगेन दू पीपल वन लविंग मदर एंड अ वाइफ एंड अ वेरी यंग डॉटर जिसने अभी कदम ही रखा था दुनिया में वो दोनों के दोनों मारे गए बिकॉज ऑफ रेकलेस फन ड्राइव एंड इवन दो पीपल माई थिंक डिफरेंटली फॉर द पनिशमेंट ऑफ दिस क्राइम जैसे जो हस्बैंड थे डेविड ही फाइनली सेटल्ड ऑन ट्वेंटी फोर ईयर ऑफ जेल टाइम फॉर कैमरन जबकि उन्होंने अपील करा था कि कैमरन को एटलीस्ट तीस साल की जेल तो होनी ही चाहिए चौबीस साल दो लोगों को मारने के लिए इज दैट रियली जस्टिफाइड आई मीन इज इट लेस इज इट मोर पीपल ऑन द इंटरनेट देड नॉट एग्री विदेंस एक्चुअली जो लोग इंटरनेट पे है उन्हें ऐसा लगता है कि कैमरा ने कुछ गलत करा ही नहीं Now again, Cameron Heron is a very attractive guy. So, when his first clip news, he started to gain some followers and he became super famous on Twitter. Jahapalo you hashtag free Cameron Heron.

कि ये लोग कैसे सोचते हैं कैमरन हेरन जिसकी स्पीडिंग के वजह से दो लोगों की मौत हो गई उसके फैंस इट्स सो फनी टू से दैट ही हैज फैंस बट उसके फैंस इसके बारे में क्या सोचते हैं <laughs> बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिलीव कि इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए कैमरन ने कुछ गलत नहीं करा उसकी कोई गलती नहीं कुछ लोग तो इन टिकटॉक्स के कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे थे कि जेसिका के जो हस्बैंड है जेसिका के हस्बैंड डेविड कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे थे कैमरन पे बाय अपीलिंग फॉर थर्टी ईयर तीस साल का प्रेजेंट टाइम देने के लिए ही वॉज बींग हार्श ऑन कैमरन अगेन इस लड़के की वजह से दो लोगों की जाने चली गई है दो ऐसी जो कि कभी वापस नहीं आएंगी। दो ऐसी वजह वजह से से एक एक बहुत बहुत ही ही बड़ा फैमिली, जिसकी एक बड़ी फैमिली बड़ी अफेक्ट होगी हमेशा के लिए एक ऐसी फैमिली का हस्बैंड वॉज बीइंग हार्श ऑन हेम जस्ट बिकॉज लक्री एंड नो एन कॉमेंट सेन अग्री दैट गुड लेवल

Um, जो इसका फैन बेस है दे कैन ओवर लुक ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम ऑल ऑफ दीज थिंग दैट ही हैज़ डन जस्ट फॉर हिज लुक जस्ट बिकॉज his face makes them feel warm, which is a very, very, very unhealthy behavior. बिहेवियर एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कैमरन हैरन की मॉम का भी यही कहना है जब कैमरन की सेंटेंसिंग की वीडियो टिकटॉप पर वायरल हुई थी तब लोगों ने उसकी फैमिली की आईडी ढूंढकर उनको बहुत सारे मैसेजेस भेजे जो कि कैमरन की माम के लिए पहले बहुत ही ज्यादा कम्फर्टिंग था उनका बेटा एक ट्रायल से गुजर रहे हैं। तो एक माँ को और ज्यादा सुनने में क्या चलेगा कि लाइक मिलियंस ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग हर सन दे आर देयर फॉर देयर फैमिली एंड दे आर देयर फॉर देयर सन ऑब्वियसली कौन सी माँ अपने बेटे की प्रिजन न्यूज से खुश होगी सो दीज फैंस वर लाइक काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर एट फर्स्ट हर पर धीरे धीरे कैमरन की मॉम को भी ये समझ आया कि ये सब नॉर्मल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड बहुत ही फैंस हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चीज़ें जानना चाहते थे कैमरन की एंड ऑल शी वांटेड एट दी एंड इज फॉर दिस पीपल टू जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप कॉन्टेक्टिंग हर फैमिली जस्ट स्टॉप केयरिंग अबाउट देयर सन एंड जस्ट बी इस केस में मैंने शुरुआत करी जेसिका, डेविड एंड लिलिया की फैमिली के डिस्क्रिप्शन से क्योंकि मैं उन लाइट देना चाह रहा हूँ जो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल नहीं दे पा ओके, आई फाउंड एवरी लिटिल थिंग एवरी लिटिल डिटेल वो सुबह क्या खाता है उसको कैसी कार्ज पसंद है उसका स्कूल कौन सा है वो कहाँ जाता है वो कहाँ रहता है उसका चेस्ट साइज कह रहा है right? जेसिकाज फैमिली साइड ठीक है डेविड की साइड से इस केस के बारे में कोई भी कवरेज नहीं हाउ डज द डैड फील अबाउट दिस केस हाउ डज द फैमिली फील अबाउट Like very, very, very कैसा लगा एंड एवरी वन वॉज प्लास्टरिंग हिस्स ऑन न्यूज आर्टिकल विच आई डों की तुम लोग को इस बारे में कैसे लगता है पर मेरे ख्याल से जितने भी ऑफसेसिव कल्ड जितने भी फैंस है

And left four families broken. So I hope that they can heal after this tragedy. And I hope and I know that it will be to like be happy again. But I still hope that they can find happiness. And to all the fans of Cameron Heron, I would like to say keep on obsessing over him. Because he 24 saal ki jail. So by the time he comes out. He will be 42 and he will be waiting for you. I'm 100% sure. Well, anyways, I hope you learned something about this case study with me. And I hope you're okay. I hope you keep your loved ones very, very, very close. If you support me, then just like this video. And if you support hai, then just turn on the post notification. Um, Yeah, that's more than enough. <laughs> that's more than enough for me. I hope you stay happy and I will see you very, very, very soon. Bye bye.